नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रियाज वैष्णव और स्वागत है आपका अपने चैनल OMG में। फिर से स्वागत है दोस्तों आपका डिफरेंस बिटवीन की सीरीज में, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन JPEG एंड GIF इमेज फॉर्मेट्स। शुरू करने से पहले दोस्तों, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही बहुत से अच्छे अच्छे डिफरेंसेस आपको देखने को मिल सके। अब बात करते हैं हम JPEG और GIF की। दोनों ही जो है वो इमेज के फॉर्मेट्स हैं जो कि इमेज को स्टोर करने के यूज में आते हैं। पहले बात करते हैं हम JPEG इमेज की। इसको क्रिएट किया गया था 1986 के अंदर। JPEG इमेज फॉर्मेट जो है वो काफी कम स्टोरेज स्पेस लेती है, तो इसको जो है डाउनलोड और अपलोड करने के लिए बहुत ही कम टाइम लगता है। JPEG के अंदर हमारे पास बहुत सारे कलर्स यूज में आते हैं, मतलब मिलियन ऑफ कलर्स हम यूज में लेते हैं, इसलिए इसको जो है वो हम रियल लाइफ इमेजेस मतलब कि फोटोग्राफ्स के अंदर बहुत ही ज्यादा यूज में लेते हैं। इनको जो है हम वेबसाइट्स और जो सोशल मीडिया अकाउंट्स होते हैं उनके अंदर भी बहुत सी जगह यूज में लेते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटी इमेज हमको प्रोवाइड करता है। यहां तक कि इसको हम डिजिटल कैमरा और स्मार्टफोन से जो हम पिक्चर्स क्लिक करते हैं उसके अंदर भी हमारी जो फॉर्मेट है वो भी JPEG ही होता है। JPEG जो है वो लॉसी इमेज है, मतलब कि इसके अंदर जो डाटा है जब हम कंप्रेस करते हैं तो जो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन होती है वो डिलीट हो जाती है हमारी फाइल में से परमानेंटली, मतलब कि इसकी जो क्वालिटी है वो थोड़ी बहुत लॉस हो जाती है जब हम इसको कंप्रेस करते हैं। अब बात करते हैं हम GIF इमेज की। ये आई थी 1987 के अंदर और इसको लाया गया था स्लो कनेक्शन और जो लो बैंडविड्थ वाली इमेज कनेक्शन है हमारे उनके अंदर हम इमेज को सेंड कैसे करें, इसलिए हम GIF को लेके आए। GIF जो है वो लॉसलेस इमेज है, मतलब कि इसके अंदर हमारा कोई भी डाटा जो है वो कंप्रेस करने के ऊपर डिलीट नहीं होता, और इसका साइज भी JPEG इमेजेस से जो होता है वो कम होता है, क्योंकि ये केवल 256 इंडेक्स कलर को ही सपोर्ट करता है। GIF को हम छोटी और सिंपल ग्राफिक आइकन्स के यूज में लेते हैं, पर इसको जो है एक बहुत ही अच्छा इसका बेनिफिट है एनिमेशन का। इसके अंदर हम एनिमेशन भी कर सकते हैं। इसके अंदर कोई ऑडियो नहीं होता GIF के अंदर, लेकिन फिर भी जो है ये मोशन हमको प्रोवाइड करती है इमेजेस के अंदर, जो कि हमारे ऑनलाइन चैनल्स के अंदर बहुत ही पावरफुल टूल बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम इनके डिफरेंसेस। पहला डिफरेंस है हमारा, JPEG की फुल फॉर्म होती है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप और GIF की फुल फॉर्म होती है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। JPEG के अंदर हमारे लॉसी कंप्रेशन एल्गोरिथम यूज होती है, मतलब कि कोई भी डाटा जो है वो लॉस हो जाता है कंप्रेशन पे, जबकि GIF के अंदर हमारे लॉसलेस कंप्रेशन एल्गोरिथम यूज होती है, मतलब कि हमारा कोई भी डाटा कंप्रेशन पे लॉस नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। JPEG के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन हमारी जो है वो लॉस हो जाती है जब हम इमेज को डिकम्प्रेस करते हैं, जबकि GIF के अंदर हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन लॉस नहीं होती डिकम्प्रेशन पे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। JPEG जो है वो 16 मिलियन कलर्स को सपोर्ट करता है, जबकि GIF के अंदर केवल 256 कलर्स को ही सपोर्ट मिलता है, मतलब इसके अंदर केवल 256 कलर्स ही हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। JPEG के अंदर इमेज ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, मतलब कि जो हम बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट रख सकते हैं उसका वो JPEG के अंदर नहीं होता, जबकि GIF के अंदर हम सिंगल बिट ट्रांसपेरेंसी जो है इमेजेस की वो रख सकते हैं, सपोर्ट करता है ये। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। JPEG इमेज फॉर्मेट के अंदर एनिमेशन भी सपोर्ट नहीं करता, जबकि GIF के अंदर एनिमेशन जो है वो सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। JPEG के अंदर जो एक्सटेंशन यूज में होते हैं वो आते हैं .jpg और .jpeg। ये दो एक्सटेंशन हम JPEG फाइल्स के अंदर यूज में ले सकते हैं, जबकि GIF के अंदर केवल .gif एक्सटेंशन ही यूज में आता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, JPEG इमेज फॉर्मेट है वो मोस्टली हमारे फोटोग्राफ्स जो लेते हैं हम फोन से कैमरा से, मतलब कि पूरा का पूरा फोटोग्राफी के अंदर ही मोस्टली यूज में आता है, जबकि GIF जो है उसको हम कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस या फिर लोगोस जो होते हैं उनके अंदर यूज में लेते हैं।
ये हमारी जेपीजी इमेज और जीआईएफ इमेज, जिसके अंदर जीआईएफ को आप देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड जो है वो ट्रांसपेरेंट है और ये मूव भी कर रहा है, मतलब कि इसके अंदर एनिमेशन भी है, जबकि जेपीजी के अंदर कोई भी एनिमेशन या फिर बैकग्राउंड जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो ये थे हमारे डिफरेंसेस जेपीजी और जीआईएफ इमेज फॉर्मेट के अंदर। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, और समझ में आ गए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए। अगर आपके कोई क्वेरी या सजेशन है तो वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और अच्छा नहीं लगा तो कमेंट कर बताएं, और रेगुलर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।